नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर व्लॉगर चाय वाला पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पर एक छोटा सा खोखा है। हमारे जो ठेले की शुरुआत है वो यहीं से हो रही है बनने की। कौन से मेटल में? स्टील में। अभी ये स्टील है 18 गेज। ये उसके साइड में चारों तरफ खड़े होने के लिए लगा। ये है ब्लू वाला। इसका ये ऊपर रखोगे इसे, बेस में कहाँ रखोगे इसका? मतलब ये वाला कलर कौन सी जगह रखोगे? ये छत पर। छत पर रहेगा ये। और नीचे बेस में? नीचे वो रहेगा काला वाला। नीचे ये काला वाला। काला आबिद भैया जो है वो मार्केट में गए हैं सामान लेने। इसका काफ़ी सामान है, जैसे जैसे बन रहा है तो सामान लेके आ रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा अपना काम वगैरह कर रहा हूँ, तो काम के टाइम पे जब इधर से आता हूँ तो चक्कर लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या कितना बना हुआ है। दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ठेले का काम शुरू हो चुका है। ये इसका ऊपर का बन के तैयार है। ये नीचे है, ये नीचे रहेगा बेस में। बेस में ये ब्लैक कलर का लिया है और ऊपर ये जो है सारा ब्लू कलर का रहेगा। ये सामने भाई बैठे हैं, ये बना रहे हैं। भैया कब तक बन जाएगा? अगर हमारा ठेला बनने में समय लगने वाला था तो हम निकल चुके चाय के सर्वे पर। जी हाँ, चाय बनाने से पहले मैं काफ़ी जगहों पर गया चाय का स्वाद चखने की, कैसे वो चाय को पकाते हैं, कितना देर पकाते हैं, कैसे सर्व करते हैं और क्या खास इंग्रेडिएंट है जो वो अपनी चाय में डालते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में आज तक कभी चाय नहीं बनाई। तो इसीलिए हम पहुँच गए अलग अलग ठिकानों पर। सबसे पहले हम पहुँचे यूनिवर्सिटी के सामने इन भैया जी के पास में। यहाँ पर हमने इनकी चाय की चुस्की ली और जाना इनकी चाय की कुछ अलग खासियत को। चाय पीने के बाद हम फिर वापस लौट चले अपने ठेले की ओर। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में इतना कम हुआ है। इसकी जो है एक कहानी होती है साइड की, ये थोड़ी छोटी बड़ी का चक्कर पड़ गया, तो इसको लेके आना पड़ेगा। ये दोबारा इतना ही करेंगे, इसको डिसमेंटल कर रहे हैं सारे को। तो इसके बाद हम फिर पहुंचे वहीं पर, थोड़ी दूर पर एक और भैया थे जो चाय बना रहे थे। इनके चाय बनाने का अंदाज थोड़ा अलग था, इनकी चाय में मुझे स्वाद भी लगा। ये इन्होंने जिस तरह से चाय बना रहे थे वहाँ पर, वो मेजर करके मैंने वहाँ से उनसे सीखा किस तरह से बनते हैं। उनका अदरक का कूटना, अदरक का मतलब एक तरह से अर्क जो निकलता है, किस तरह से पूरा उनको यूज किया जाता है, वो सब इनकी चाय बनाने के साथ में मैंने इनको सीखा। इनके सर्व करने का तरीका, इनसे सर्व करने के बाद में फिर इनकी जो चाय की चुस्की थी, वाकई इस चुस्की ने मेरा मन मोह लिया। यहाँ पर चाय के स्वाद के साथ में इनकी एक राय भी मिली और वो राय क्या है आप जो है अपनी नौकरी में दिमाग लड़ाएं, क्योंकि नौकरी आजकल नहीं है कि ठेले ठेलों से बेहतर आपकी इज्जत नौकरी में है। जो आज आपको जो है स्टूडेंट की नज़र से देखते हैं, वो कल आपको कहेंगे वो चाय वाले तो चाय वहाँ भेज दिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपकी पोजिशन क्या बीतेगी? आप खुद सोच के जवाब दीजिए बस। इनसे काफ़ी कुछ सीखने के बाद और इनकी ब्लेसिंग्स लेने के बाद मैं निकल चुका अपने स्टोर्स के लिए जगह फाइनल करने में। और ये जगह मैंने चुनी सुपर बेकर्स के जस्ट सामने, लेकिन यहाँ पर गंदगी इतनी थी उसके देख के मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा और मैं निकल पड़ा उसको वहाँ से सफाई करने के लिए। और मैंने समय चुना रात के लिए, क्योंकि थोड़ा उस टाइम पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि दिन में इतने लोग देखेंगे, तो उस वजह से मैंने रात में गया वहाँ पर सफाई की। मैंने चारों तरफ वहाँ पे जो गंदगी वगैरह थी उसको साफ किया, वहाँ पर मिट्टी वगैरह उसको फावड़ा लेकर मैंने एक तरह से उसको एकसार किया, समतल किया। पूरी रात में मैंने उसको लगभग 1.5 से 2 घंटे मैंने वहाँ पर काम किया और काम करने के बाद उसको चमकाया, लेकिन वहाँ पर मैं ठेला नहीं लगा पाया। तीसरा दिन है हमारा यहाँ का, ये मिस्टर ब्लॉगर चाय वाले का ठेला बनाते हुए, और अभी आज के ऊपर ये बेस रख दिया है। इस तरफ मेरे ठेले पर काम चल रहा था और दूसरी तरफ मैं निकल चुका अपने मिस्टर ब्लॉगर चाय वाला के ठेले के लोगों को डिजाइन कराने और वहाँ पर बैनर बनवाने के लिए। तो मैं पहुँचा यहाँ पर एक प्रिंटिंग शॉप में और यहाँ पर मुझे मिले एक भाई, इनका भी नाम जितेंद्र है, काफ़ी मेहनती हैं। इनके साथ में बैठकर मैंने अपने लोगों डिजाइन कराया कि ये लोगो होना चाहिए इस तरह का एक, और बैनर वगैरह सारा डिजाइन कराया काफ़ी बैठ के, खुद से सपोर्ट्स वगैरह की ये सब इसमें लिखा होना चाहिए। बैठकर काफ़ी टाइम हम दोनों ने मेहनत की और इन भैया ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। लगभग 3 से 4 घंटे हम दोनों ने बैठकर काम किया और इनको लोगों को डिजाइन किया कि क्या इस तरह से क्या होना चाहिए, सारा फॉन्ट वगैरह सब कुछ, एक एक छोटी छोटी बात जो थी हम दोनों ने बैठकर काफ़ी समय तक मेहनत की और फाइनली हम इस लोगों को डिजाइन करने में सक्सेसफुल हुए। अपना लोगो डिजाइन करवाने के बाद मैं वापस निकल चुका अपने
चाय के सफ़र पर। इस बार मैं पहुंचा यहाँ पर सूरज टी स्टॉल पर। इन भैया का मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पर स्वभाव, इनका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका, उनके साथ लोगों को कैटर करने का तरीका। इनकी जो बनाई हुई चाय थी वो चाय मैंने वहाँ पर देखी किस तरह से चाय बनाते हैं। यहाँ से मैंने चाय को बनाना सीखा कि कितनी चीनी डालनी है, किस तरह डालना है, इलायची वगैरह क्या चीज़ है जो चाय को खास बनाती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट तो सभी सेम डालते हैं। तो यहाँ से मैंने वो सब सीखा। सूरज भाई ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कभी भी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े आप बिल्कुल मेरे पास आना। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह से क्या क्या करना है। इनकी चाय मैंने यहाँ पर कुल्हड़ में पी। कुल्हड़ में चाय पीने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे भी कुल्हड़ में चाय सर्व करनी चाहिए, और यहाँ से मुझे आइडिया क्लिक हुआ कुल्हड़ चाय का। तो फाइनली 3 दिन बाद मिस्टर ब्लॉगर चाय वाला का ये ठेला, एक ठेला ही बोलेंगे, अपना तैयार हो चुका है। मैं आपको थोड़ा इसका क्लोज लुक देता हूँ कैसा बनाया। तो इस तरह का बनाया अपना, ये पूरे 3 दिन लगे हैं और आप लोगों ने देखा ही होगा ठेला किस तरह से बनाया भाई ने, मतलब पूरा मेहनत से बनाया और मेहनत के साथ में, मतलब सारा मैंने भाई को ही सौंप दिया था। मैंने कि भाई ये लो आप अपना बनाओ ठेला, और भाई ने सारा आप देखें क्वालिटी वगैरह सारा बढ़िया रहा है। बस अभी ये अपना काम जमाते हैं और लेके चलते हैं आज अपने ठेले को। चल दे आया अपना ठेला फाइनली, और अभी भाई को बोलते हैं थैंक यू। ठीक है भैया, ओके। फाइनली 30 अगस्त को मैंने अपना टी स्टॉल लगाया, मेरा पहला दिन और पहली शुरुआत। झिझकते झिझकते मैंने चाय के सफ़र की शुरुआत की। पहली चाय मैंने बनाई, मुझे खुद पर बहुत शक था, खुद पर एक संदेह था कि शायद मैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लोगों को मेरी बनाई हुई चाय पसंद आ रही है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक सफलता महसूस हो रही है कि हाँ शायद मैं उन लोग वो टेस्ट दे पा रहा हूँ जो लोगों को चाहिए चाय में। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का सब आ रहे हैं, मेरा मतलब बहुत खुश हूँ मैं अंदर से। आपको बताऊँ तो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है ये काम को करने में। अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं या मेरठ के आसपास है तो प्लीज़ आइए मेरे टी स्टोर पर विजिट कीजिए। ये मेरठ में है, मेडिकल कॉलेज के सामने, सुपर बेकर्स के जस्ट अपोजिट पार्क के। शाम के 5 बजे से रात के 9-10 बजे तक ओपन होता है। आप आइए और मिलते हैं फिर हम चाय पर।